నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలోని డెల్లా వద్ద ఎర్రకోటలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మ్యూజియంను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం అక్కడి నుంచి లైవ్ చూద్దాం. वजह से क्या अंजाम हुआ था, आजादी को पाने में कितना बल मिला था, इन तमाम डेडलाइंस को डिजिटल माध्यम से स्क्रीन पे या फिर जो एलसीडी इतिहास के उन पहलुओं को भी रेखांकित किया गया है जिसमें कि हम ये जान पाए और समझ पाए कि ये अगर घटना हुई तो क्यों हुई. अगर हम मसलन जिक्र करें जलियांवाला बाग की, तो हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेज लेकर आए थे, जिसका के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो किचलू हैं वो विरोध कर रहे थे, और इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है. साथ ही साथ अरुण यहाँ पर लाल बाल पाल उनका जिक्र है कि उस समय उनकी क्या भूमिका रही थी और उन्होंने कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसमें कि हम जानते हैं कि लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल. इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है. जो इतिहास के छात्र हैं वो लाल बाल पाल के नाम से ही इसको मेमोरीज में रखने के लिए रखते हैं जहन में. लेकिन इसी के दौरान जो अरुण जो विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 का जो वर्णन है वो भी यहाँ पर संग्रहालय में किया गया है, उसको दिखाया गया है. क्योंकि जब हम किसी घटना को इतिहास की घटना को देखते हैं तो उसके कारणों को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शनी में पूरी तरीके से समेटा गया है. इतिहास जो कि आमतौर पर छात्रों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अरुण, जिसके कि हम देखते हैं कि उनको बोझिल भी कई बार लगता है कि लेकिन जब वो चित्रों के माध्यम से, जैसे कि आपने जिक्र किया डिजिटल माध्यम से, जब वो खुद टच करके देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ कब घटना हुई, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक होगा. एक स्टडी में ये पाया गया ऋषि कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन मूवीज को हम देखते हैं, दरअसल वो कहानियां हमें आसानी से याद रह जाती है बजाय के जिनको हम पढ़ते हैं. और शायद इस स्टडी के आधार पर इस बात पर फोकस है कि क्यों ना जो तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लीडर्स थे जिनकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनके सिद्धांतों की, कि जो हमारा युवा वर्ग है इनके सिद्धांतों पर किस तरह से आगे चल सके, इनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा सके. तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम चीज़ों को डिजिटल, जो LCD टेलीविजन्स लगाए गए हैं, जो टच स्क्रीन्स हैं, इन टच स्क्रीन के माध्यम से तमाम एपिसोड्स को समझ सकते हैं. यानी कि जो चिट्ठी जिसे आप नहीं पा सकते थे इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर, उनको आप इन प्रदर्शनी में डिजिटल माध्यम से, एक टच के माध्यम से आप समझ सकते हैं. चित्रों के माध्यम से भी बताया गया, यानी कि चित्र यानी कि पिक्चर्स एंड वीडियोस, ऐसा कहा जाता है पिक्चर स्पीक्स 1000 words, यानी कि जो बात 1000 शब्दों में नहीं कहे जा सकते वो एक पिक्चर दर्शा देती है. तो उन तमाम चीज़ों को बताया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 अप्रैल 2015 में जब उन्होंने जो नेशनल वॉर के जो हीरोज थे उनको श्रद्धांजलि दी थी, उन झलकियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, इसराइल का वो चित्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइफा में एक तरह से जो वॉर मेमोरियल्स में जो भारतीयों ने जिस तरह से अपनी जीवन की कुर्बानी दी, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे समेटा हुआ वर्ल्ड वॉर मेमोरियल की ये झलकियाँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए. बिल्कुल अरुण, और इतिहास को जानना समझना और उसको चित्रों के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, और इन सब चीज़ों को जब चर्चाएं होती हैं इतिहास के जो छात्र होते हैं बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के साथ इन सब चीज़ों को हमने देखा है कई बार छात्र जीवन में. इतिहास के अलग अलग जो चरित्र हैं उनको अपनी अपनी जानकारियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं, उन पर बहस करते हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात, हर इतिहास का छात्र ये जानता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो गौरव है, वो हमारा वर्तमान और हमारे आने वाले का.